नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5:30 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मतदान जो है होना है। वोटिंग के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। इसी के साथ रेवाड़ी में नगर पालिका परिषद के लिए आज वोटिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें, सापला, धारुएड़ा, उकलाना में नगर पालिका समितियों के लिए आज वोटिंग हो रही है। अंबाला में कांग्रेस प्रत्याशी मीना अग्रवाल ने मतदान किया है और अब खुद प्रत्याशी भी अपने अपने वार्ड में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मेयर पद की प्रत्याशी मीना अग्रवाल, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, ITI के बूथ नंबर 143 पर मीना अग्रवाल ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं रेवाड़ी और सोनीपत में भी वोटिंग लगातार जारी। 30 दिसंबर को घोषित होंगे निकाय चुनाव के नतीजे। तो चुनाव आयोग की तरफ से भरपूर तैयारियों के बीच वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5:30 बजे तक मतदान जो है जारी रहेगा। कोरोना पेशेंट्स के लिए भी यहां पर वक्त निर्धारित किया गया है। आखिर में 1 घंटा कोरोना पेशेंट्स के लिए निर्धारित किया गया है, जो आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, रेवाड़ी में नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और साथ ही साथ उकलाना, सांपला और धारुएड़ा में नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव किया जा रहा है। तो आज देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। नगर निगम चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भारी उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में लगातार तमाम बड़े दिग्गज प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर भी बेहद सजगता और गंभीरता तमाम दिग्गजों ने दिखाई है। हमारे साथ सोनीपत से हमारे सहयोगी नीरज अंतिल जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, वोटिंग लगातार जारी है, कितनी संख्या में मतदान देने के लिए लोगों का आना शुरू हुआ है, कितना जमावड़ा लोगों का देखा जा सकता है अब तक? जी, अभी जैसा कि सर्दी है, अभी बहुत कम लोग घरों से निकल के आए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी वोटिंग प्रक्रिया जैसी चल रही है, पर लेकिन यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम लोग अभी आए हुए हैं। ये हम मुख्य रोड पे खड़े हुए हैं, जहाँ पर बहुत कम लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, अभी सर्दी का मौसम है, लोगों के आने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा धीमा है, लेकिन उम्मीद यही लगाए नीरज कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और वोटिंग परसेंटेज अच्छा जाएगा, क्योंकि पहली दफा सोनीपत में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि 6 साल से निगम बने हुए हो रहे हैं, लेकिन 6 साल के बाद पहली बार आज चुनाव हो रहा है, लोगों में उत्साह है, लेकिन सर्दी के कारण ये उत्साह अभी तक लोग घरों से नहीं निकले हैं। अभी बहुत कम लोग यहाँ तक आए हुए हैं और जैसे जैसे दिन निकलेगा लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल नीरज, हम चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे आप बात करें और उनसे जाने की कितने उत्साहित वो लोग हैं नगर निगम चुनाव के लिए। जी, मैं अभी यहाँ पे बात करना चाहूंगा। जी मैडम, आपकी मुद्दों पे चुनाव करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? पूजा टकरान। मैडम, ये पूजा टकरान जी है और ये वोट करना चाह रही है सिर्फ डेवलपमेंट के मैटर पे। अभी तो इनिशियली बेसिकली अभी और भी है। जी मैडम, जी बिल्कुल, तो लगातार अभी सिर्फ शुरुआत है और लोग जाहिर तौर पर विकास के मुद्दे पर, चूंकि विकास का जो रास्ता है वो नगर निगम से ही होकर गुजरता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग सही प्रत्याशी का चुनाव करें और भारी संख्या में अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए लोग जो है आए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है नीरज, की सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका कितना असर लोगों पर हुआ है और इस चुनाव पर देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन है उसका असर यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई देगा,
क्योंकि सीमा सोनीपत के अंदर ही, सोनीपत के बॉर्डर पर ही किसान बैठे हुए हैं, तो उसका असर जाहिर सी बात है सोनीपत में चुनाव पर दिखाई जरूर देगा और ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के अगेंस्ट ही जाए। जी बिल्कुल नीरज, लगातार मतदान हो रहा है और लगातार वोटर्स जो है आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कितना उत्साह आप देख सकते हैं इन वोटर्स जब आ रहे हैं इन वो पोलिंग बूथ पर अपने वोट के इस्तेमाल के लिए, तो कितना उत्साह देखा जा सकता है? 58 नंबर की तरह 58 ये बोल दिया बजा हुआ है। हमारे साथ हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू भी जुड़ेंगे जो उकलाना से हमें बताएंगे पल पल की अपडेट। अनूप आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ? जी अनूप, अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी, क्या ताजा तस्वीरें मिलती हुई, कितनी संख्या में लोगों का आना शुरू हो चुका है, कितनी संख्या में लोग देखे जा सकते हैं अभी फिलहाल? देखिए जी, जिस प्रकार से आज मतदान होना है उसको देखते हुए लोगों में बड़ा भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही लग चुकी है और बहुत सारे मतदाता अभी लाइनों में लग के मतदान की इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन लग चुकी है और लगभग इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और सुबह 8 बजे जो है प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 5:30 बजे तक शाम को चलेगी। जी जी अनूप, मैं चाहूंगी आप लोगों से एक बार बात करें, उनसे ये तो ना बताएं कि किसको वोट देंगे, लेकिन हाँ ये जरूर बताएं कि किस मुद्दे पर वोट देंगे। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने के लिए कि उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर के वो मतदान करने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज हम मतदान कर रहे हैं। मुद्दे सफाई व्यवस्था, किस क्या चाहते हैं उकलाना का विकास हो, कैसे भ्रष्टाचार। देखिए लोगों के मुद्दे यही है कि भ्रष्टाचार और यहाँ पर जो सीवरेज की, पानी की और इस तरह की जो व्यवस्थाएं अब तक नहीं हो पाई वो व्यवस्थाएं यहाँ पर जरूर हो। जी जी बिल्कुल, आप जैसे कि आपने एक यहाँ पर वोटर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट देंगे, तो जैसा उकलाना नगर पालिका का इतिहास रहा, जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार एक अहम मसला रहा है जिससे लोग काफी ज्यादा त्रस्त हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो यही माने कि विकास के बारे में तो लोग सोच ही रहे हैं लेकिन उनका पहला जो टारगेट है वो यही है कि इस बार नगर पालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त करने वाले प्रत्याशियों को लेकर आना है। देखिए आज का मतदाता बहुत समझदार हो चुका है, उसको पता है अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो विकास अपने आप हो जाएगा, इसलिए उसका सबसे पहला जो आज का मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार रहित, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर मिट जाएगा तो अपने आप में कहीं न कहीं विकास ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन अगर भ्रष्टाचार यूं ही फैलता रहा जिस प्रकार से उकलाना नगर पालिका में 8-8 लाख रुपए के फर्जी चेक काटे जाने पर FIR के मामले तक दर्ज हुए हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़ा पिछला जो कार्यकाल रहा है उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। लेकिन लोगों का यही मानना है कि सबसे पहले इस बार जो चेयरमैन चुना जाए वो ऐसा व्यक्ति हो जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अहम भूमिका अदा करे। जी जी बिल्कुल अनूप, अब देखने वाली बात होगी कि कितना असर किसान आंदोलन का भी होता है इन चुनाव पर। 30 तारीख को ये साफ हो जाएगा जब नतीजे सबके सामने होंगे। अभी फिलहाल मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूंगी, क्योंकि शुरुआत जो है वो थोड़ी धीमी जरूर हुई थी सुबह ठंड मौसम की वजह से, लेकिन अभी फिलहाल वोटर्स का जो सिलसिला है, जो आंकड़ा है वो कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कितने उत्साहित वोटर्स नजर आ रहे हैं। देखिए किसानों का जो आंदोलन है उसका सीधा सीधा असर इस चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये किसानीय क्षेत्र है और यहाँ पर काफी बड़ा आंदोलन हुआ है और कल यहाँ पर गुरनाम सिंह चडूनी भी पहुंचे थे जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि जिन्होंने किसानों का आंदोलन का समर्थन नहीं किया है ऐसे किसी भी उम्मीदवार को मतदान न करें, तो उसके बावजूद कहीं न कहीं राज्य मंत्री अनूप धानक का निवास स्थान यहाँ पर, उसका घेराव यहाँ पर किया गया, तो किसानों का बहुत अच्छा यहाँ पर कृषि क्षेत्र होने के कारण लोगों का प्रभाव रहा है और जरूर ऐसा लग रहा है कि जो JJP BJP गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर है कहीं न कहीं उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी जी, यानी माना जाए कि गठबंधन में चुनाव लड़ रही है JJP और BJP, जिसका फायदा क्या लगता है, ग्राउंड जीरो पर आपने देखा है जिसका फायदा एक दूसरे को वो दे पाएंगे या फिर मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा?
बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो किसान आंदोलन है उसका फायदा दूसरे उम्मीदवारों को नहीं होगा, लेकिन ये बात देखने वाली कि कौन किसान कितना उसका उम्मीदवार कितना फायदा उठा पाता है, वो कितने मुद्दे पब्लिक तक पहुंचा पाता है और कितने कामगार उनके जो मुद्दे हैं वो लोगों के रहेंगे, क्योंकि उकलाना में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का बताया गया है और भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ विकास के मुद्दे लेकर जो जनता का मन जीतने में कामयाब रहेगा वो जरूर उकलाना का चेयरमैन बनेगा। जी उकलाना की अगर मैं लोकल बॉडी की बात करूं अनूप, तो कितनी सीटें यहाँ पर हैं नगर पालिका की और यहाँ पर नगर पालिका की सीट्स के अलावा जो चेयरमैन पद है अब तक वहां पर किसका दबदबा रहा है, इन नगर पालिका चुनाव में कौन सी पार्टियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती रही हैं, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए सबसे पहले ये था कि यहाँ पर पार्षदों द्वारा चेयरमैन चुना गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इतनी चर्चा रही कि बीच में ही पार्षद को हटा दिया गया। पार्षद हटाए जाने के बाद फिर दोबारा पार्षद इकट्ठे हुए और उन्होंने पिछले जो दो ढाई साल का समय गया उसमें उन्होंने बीजेपी समर्थित यहाँ पर हम कह सकते हैं चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो भ्रष्टाचार था वो कम नहीं हुआ और विकास के जो दावे किए जा रहे थे वो विकास के दावे भी उतने सार्थक साबित नहीं हुए जितनी लोगों को उम्मीद थी। लेकिन अब ये दूसरा कार्यकाल नगर पालिका उकलाना का चलेगा, इसमें लोगों को यही उम्मीद है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विकास हो और भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल समाप्त किया जा सके। जी बिल्कुल, तो लगातार 13 सीट पर वोटर्स के आने का सिलसिला जारी, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी संख्या में लोग जो है आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए और सुबह सुबह का वक्त है, आज भले संडे का दिन हो, शहरी व्यवस्था में तो संडे के दिन में छुट्टी होती है लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर कोई संडे नहीं होता है, तो ऐसे में लोगों को अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर ही वोट डालने के लिए आना पड़ता है, तो क्या उम्मीद लगाएं कितनी संख्या में लोग अभी आ रहे हैं और कितना वोटिंग परसेंटेज जा सकता है? देखिए जिस प्रकार से अभी जो मतदान है वो शुरू ही हुआ था 8 बजे और लगभग 1-1.5 घंटा अभी तक हुआ है, तो ऐसे में जो देखा जा सकता है बड़ा भारी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, एक लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, जितने भी बूथ बनाए गए हैं 15 बूथ यहां पर बनाए गए हैं, 13,684 मतदाता यहां पर मतदान करने वाले हैं, तो इसके साथ साथ ये देखा जा सकता है कि मतदाताओं में बड़ा भारी उत्साह है क्योंकि अब सुबह ठंड का मौसम था, आज कोहरा भी छाया हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं मतदाता सुबह ही अपने घरों से निकल लिया और उन्होंने ये भी जरूरी समझा कि मतदान करेंगे तो ही हम जो अपने सपने हैं उनको साकार कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व होता है मतदान का इसको लेकर के, और पुलिस प्रशासन की भी अगर यहां मैं बात करूं तो उन्होंने भी यहां पर पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, DSP जो बरवाला से हैं वो भी ये लगातार यहां पर दौरा कर चुके हैं और इसके अलावा हर बूथ पर लगभग महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ पुरुषों की भी संख्या अच्छी तरह से बढ़ाई गई है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो उकलाना को लेकर पल पल का अपडेट हमें अनूप दे रहे थे और लगातार वोटर्स के आने का सिलसिला जारी है, शाम को 5:30 बजे तक इसी तरीके से वोटर्स आएंगे तो यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा और जितना ज्यादा आप लोग आएंगे वोट देने के लिए उतना सही प्रत्याशी आप चुन पाएंगे अपने।